नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने रविवार शाम अपने मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक की, जिसमें युवाओं के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वहीं धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि नौजवानों और बेरोजगारों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। तो क्या है ये फैसले, चलिए आपको बताते हैं। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद देर रात को मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही लगभग 20,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडल ने उप समिति का गठन करने का फैसला लिया है। वहीं सीएम धामी ने बेरोजगारों और प्रदेश के विकास को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। कैबिनेट ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने और राज्य के विकास संबंधित कई अहम फैसलों पर फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य के हित और विकास को लेकर 6 संकल्प प्रस्तावों पर भी फैसला लिया गया है। वहीं उन्होंने शासन मुक्त प्रदेश देने की बात कही है। वहीं उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए सरकार के काम करने की बात कही। साथ ही गेस्ट टीचरों का वेतन 15,000 किया गया है। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को गृह जिलों में नियुक्तियां दी जाएंगी। साथ ही कोविड महामारी के चलते उचित कदम उठाने की बात कही गई है। वहीं मनरेगा के खाली पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। इस दौरान पॉलिटेक्निक में संविदा पर काम करने वाले लोगों को साल 2018 में बाहर किया गया था, उनको वापस लिया जाएगा। साथ ही पुलिस के ग्रेड पर के मामले में 3 सदस्य कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। इसकी कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने 6 संकल्प जो आगामी जो समय बचा उस समय में जिन संकल्पों पर चलकर सरकार राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की काम करेगी, वो मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किए गए। जिसमें पहला संकल्प है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित करेगी। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।